माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में अभी तक हम क्लिप आर्ट, पिक्चर और शेप्स देख चुके हैं कि किस तरह इंसर्ट करते हैं। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के अंदर हमारे पास एक और टूल मौजूद है जिसको हम स्मार्ट आर्ट बोलते हैं। इसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ ग्राफिक्स हैं जो आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसको इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आप इंसर्ट टैब में जाइए रिबन में और स्मार्ट आर्ट पर क्लिक कर दीजिए। जब आप स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ कैटेगरीज होंगी और उनकी आपको बेसिक शेप्स दिखाई जाएंगी। फर्ज करें आप कोई हायरार्की दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास शेप्स का प्रीव्यू आपके सामने बना हुआ आ जाएगा। आप उसमें से किसी एक को सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दीजिए। जब आप ओके करेंगे तो आपके सामने ये स्मार्ट आर्ट खुला हुआ आ जाएगा। अब इसके अंदर आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं और इसको डिसलेक्ट करने के लिए आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करने का तरीका।